दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये बोतलें? जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हैं प्लास्टिक की ऐसी बोतलें। नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की ऐसी बोतलें बेची जा रही हैं। इनमें से कुछ में कोला होता है, कुछ में पानी, कुछ में जूस या फिर दूसरे ड्रिंक्स। 1950 में प्लास्टिक का सालाना उत्पादन 21 लाख टन के आसपास था। 2015 में ये बढ़कर 40 करोड़ टन के भी पार पहुंच गया। कमाल की बात यह है कि इसमें से 40% प्लास्टिक तो ऐसा है जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। इसीलिए दुनिया में प्लास्टिक का अंबार बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक, 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 नदियों में प्लास्टिक, महासागरों में प्लास्टिक, नालियों में प्लास्टिक और सड़कों पर प्लास्टिक। हमारी दुनिया प्लास्टिक से अटी हुई है। प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर उत्पादन 1950 के बाद शुरू हुआ, लेकिन इन 7 दशकों में प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। इसी से निपटने के लिए दुनिया भर के 175 से ज्यादा देश एक संधि तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम की देखरेख में पिछले दिनों पेरिस में 5 दिनों तक अहम बैठक हुई। इस बैठक में इस साल के अंत तक संधि का मसौदा तैयार करने पर सहमति बनी। हम प्लास्टिक कचरे की समस्या से इनकार नहीं कर सकते। ये हर जगह हमारा पीछा कर रही है, बड़े शहरों में, छोटे छोटे गांवों में, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर और गहरे समंदरों में भी। हम ऐसे समाधानों को बढ़ावा देते हैं जो प्लास्टिक कचरे को कम करने, सस्टेनेबल तरीके से उसके प्रबंधन और सबसे बढ़कर हमारे पर्यावरण को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ बनाने में मदद करें। मजबूत नीतियों और टेक्नोलॉजी के जरिए हम 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को 80% घटा सकते हैं। आइए ऐसा करते हैं। अभी हर साल 46 करोड़ टन प्लास्टिक बनाया जा रहा है और इसमें से 1/4 हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। पर्यावरण समूहों का कहना है कि प्लास्टिक संधि को लेकर जितनी भी बात अभी हो रही है उसमें ज्यादा जोर प्लास्टिक की रिसाइकलिंग पर है, ना कि उसका उत्पादन घटाने पर। ग्रीन पीस जैसे पर्यावरण समूह मांग कर रहे हैं कि 2017 में जितना प्लास्टिक उत्पादन हो रहा था उसमें 75% की कटौती की जाए। उनका कहना है कि चूंकि प्लास्टिक जीवाश्म ईंधनों से तैयार होता है, इसीलिए उसकी पूरी तरह रिसाइकलिंग अब भी बहुत मुश्किल और बहुत महंगा काम है। इसीलिए अभी 10% से भी कम प्लास्टिक रिसाइकल होता है। लेकिन प्लास्टिक का उत्पादन घटाने की बात उन देशों के गले नहीं उतर रही है जो असल में प्लास्टिक तैयार करते हैं, यानी दुनिया के कुछ तेल उत्पादक देश जैसे कि सऊदी अरब, क्योंकि इससे उनकी आमदनी पर असर होगा। बैठक के दौरान हमने देखा और बयानों में भी देखा कि तेल उत्पादक देश बहुत उत्साहित नहीं हैं। निश्चित तौर पर कुछ देश हैं जो जीवाश्म ईंधन उद्योग से प्रभावित होते हैं। इनमें से कुछ सऊदी अरब जैसे हैं जो इस मामले में कदम पीछे हटाते दिख रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आखिरकार वे लोगों और पर्यावरण के हित में इस संधि के केंद्र में होंगे और वे सब लोगों की बेहतरी के लिए अपने देश के हितों को एक तरफ रखेंगे। इसका मतलब है कि प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये आर्थिक भी है और राजनीतिक भी। प्लास्टिक के मुद्दे पर अभी 2 खेमे नजर आते हैं। एक तरफ ऐसे देश हैं जो प्लास्टिक के उत्पादन को घटाने की पैरवी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तेल उत्पादक देश रिसाइकलिंग को समाधान के तौर पर पेश कर रहे हैं। जो चीज पूरी दुनिया के लिए समस्या है वो कुछ देशों के लिए मोटी कमाई का जरिया है। हमने खास तौर से तेल उत्पादक देशों का एक छोटा सा ग्रुप देखा है जो प्रतिबद्धता के लिए तैयार नहीं है, जिनकी प्लास्टिक को लेकर महत्वाकांक्षी संधि में दिलचस्पी नहीं है और वो उसे लटकाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर उन्हें भी महसूस होगा कि उन्हें भी प्लास्टिक आधारित सस्टेनेबल अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक नियम चाहिए और भविष्य में उन्हें भी इसका फायदा होगा। प्लास्टिक की वजह से पैदा खतरों को लेकर अब जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है।
इससे बड़े पैमाने पर और एकजुट होकर निपटने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में प्लास्टिक संधि के लिए हो रही कोशिशें इसी तरफ जाती दिखती हैं। लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्य एक ऐसी संधि तैयार करना है जिस पर सभी देश अमल करें, तभी प्लास्टिक के लगातार बढ़ते कचरे से निपटा जा सकता है। वरना पिछले साल ही OECD की एक स्टडी में 2060 तक प्लास्टिक का कचरा 3 गुना हो जाने का अनुमान जताया गया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद श्रीलंका के इन हाथियों की तरह हमें भी ना पता चले कि इस प्लास्टिक कचरे का करना क्या है। प्लास्टिक प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है, इसके लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करिए, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 1950 से लेकर 2017 के बीच इंसानों ने 9 अरब टन से ज़्यादा प्लास्टिक पैदा किया है और इसमें से लगभग 7 अरब टन प्लास्टिक कचरे के ढेरों में गया है और वहाँ से वो बहकर कुछ हमारी नदियों में पहुँचता है, कुछ हमारे खेतों में और बहुत सारा प्लास्टिक महासागरों में पहुँच जाता है। कुछ प्लास्टिक तो हमारे शरीर में भी जा रहा है उन मछलियों के जरिए जो नदी या तालाबों या फिर महासागरों में प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेती हैं। लेकिन क्या हमें इस सब की चिंता है? अगर चिंता होती तो इतना प्लास्टिक का कचरा पैदा नहीं होता। हरा पानी और प्लास्टिक का बेशुमार कचरा, 15,000 घन मीटर कचरा। बोस्निया की द्रीना नदी को अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है, लेकिन जब ये विजोग्राद शहर के करीब कचरे के अंबार से होकर गुजरती है तो ये देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता। इसमें लकड़ियां हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं और घर की दूसरी चीजें भी जिन्हें उन 3 देशों के लोगों ने नदी में फेंका है जहाँ से ये होकर गुजरती है। स्थानीय लोग परेशान हैं। 20 साल से नदी के किनारों पर रहते हुए हमने इसे स्वीकार कर लिया है कि ये ऐसा ही रहेगा। हम तो मानने लगे हैं कि हमारे जीते जी तो द्रीना नदी से यह कचरा साफ नहीं होगा। द्रीना नदी 300 किलोमीटर तक बहती है। ये मोंटेनेग्रो के पर्वतों से निकलती है और सर्बिया और बोस्निया से होकर गुजरती है। इस दौरान इसमें काफी कूड़ा फेंका जाता है, जैसे कि ये। इन तीनों ही देशों में कचरा प्रबंधन का ठोस प्रबंध नहीं है, तो आखिरकार कचरा यहाँ पहुँच जाता है। ये ट्रैश बैरियर बोस्निया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ने लगाया है, जिसकी वजह से ये कचरा सबको दिखने लगता है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि सरकार कदम उठाए। बाल्कन देशों के पर्यावरण मंत्री हर 6 महीने में मिलते हैं, लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ती। पर्यावरण कार्यकर्ता स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हमने महसूस किया है कि नदी से कूड़ा निकालकर हम जिन लैंडफिलों में डालते हैं वो 90% भर चुके हैं, तो सवाल ये है कि अगले साल क्या होगा जब हमारे पास फिर से 10,000 से 15,000 घन मीटर कचरा आएगा। बोस्नियाई अधिकारी कहते हैं कि नदी में पीछे से कचरा डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ ये दलील काफी नहीं है। वो कहते हैं कि कदम नहीं उठाए गए तो उनकी सुंदर नदी में कचरा बढ़ता ही जाएगा। सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कौन पैदा करता है? पैकेजिंग सेक्टर, यानी हर वो चीज जो हम तक प्लास्टिक के पैकेज या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में आ रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जितना भी प्लास्टिक पैदा हो रहा है उसमें से 36% पैकेजिंग के लिए जा रहा है। आजकल खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक के कंटेनर या फिर प्लास्टिक के डिब्बों में आ रही हैं। कमाल की बात तो यह है कि कई पत्रिकाएं भी आजकल प्लास्टिक में लिपट कर आती हैं कि कहीं बारिश हो जाए तो उन्हें भीगने से बचाया जा सके। ये सारे पैकेट, ये सारी पैकेजिंग और ये सारे प्लास्टिक के कंटेनर इंसानों की ज़रूरतों के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर इन्हें कम करने के बारे में सोचना है तो कदम आज ही उठाना होगा। इन्हें खरीदना कम कर दीजिए या हो सके तो बंद ही कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। आपसे होगी जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।